वर्चुअल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पर यह रहा, हियर इज ए वर्टिकल वॉल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल वॉल है और ये रॉड है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, ये रॉड अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसका एंड, इसको कर दे ए एंड और ये हो गया हमारा बी एंड। तो ए एंड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से स्लाइड करेगा, तो आपको निकालना है बी एंड किस वेलोसिटी से स्लाइड करेगा। अच्छा सवाल है, तो ए एंड 3 मीटर पर सेकंड से, तो बी एंड कितने से, तो टेंशन मान लीजिए टी, टी रॉड में वह इसकी वेलोसिटी बी की वी बी कर दीजिए, अब वर्चुअल वर्क लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि टी कॉस 37, ये टी है और ये 37 एंगल, तो टी कॉस 37 इंटू डॉट, ये डॉट होना चाहिए क्रॉस नहीं, ये वर्क है डॉट, दैट इज डॉट -3, डॉट कितना है -3, ये टी कॉस 37 डॉट -3, और यहाँ के लिए क्या होगा टी कॉस 53 इंटू वी बी, टी कॉस 53 इंटू वी बी और कॉस 37 आपका 4/5 होता है, कॉस 53 3/5 होता है, कैंसिल हो गया तो वी बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरीके से बी एंड की वेलोसिटी निकल आई ए की दी हुई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा डायरेक्शन निकालने में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ये ब्लॉक है, इसको ए ब्लॉक कर सकते हैं, बी ब्लॉक, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये दोनों ब्लॉक जो हैं वो ऐसे मिलते हैं तिरछा, ऐसे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, ऐसे गिरेगा ये ब्लॉक आकर के ऊपर से ऐसे गिरेगा, कैसे गिरेगा ये ऐसे गिरेगा, तो जैसे गिरेगा ये ब्लॉक इधर खिसक जाएगा, ये गिरा ये इधर खिसक गया, ये गिरा ये इधर खिसक गया, तो ए की एक्सीलरेशन ए वन दिया है और बी की एक्सीलरेशन ए टू दिया हुआ है, तो इसको अलग से बना लिया कि ये स्लैंट है और ये 60 डिग्री एंगल दिया है, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे स्लैंट होगा, ये ऐसे स्लैंट होगा, ये 60 डिग्री है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, और ऐसे ही आपका जो नीचे का ब्लॉक है इसके लिए, ये नीचे का ब्लॉक है तो इसमें ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यही नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो लगाइए आपको फार्मूला लगाना है क्या, एन कॉस 30 इंटू माइनस A1 ऊपर से, एन कॉस 30 ऊपर की ओर है और A1 नीचे है, माइनस A1 और प्लस एन कॉस 60 इंटू A2 इक्वल टू 0, एन कैंसिल होगा, माइनस
थ्री बाई टू कॉस 30 ए वन और प्लस कॉस 60 इज हाफ एंड ए टू इज गिवेन थ्री रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3√3। तो यहाँ पर रूट थ्री कॉमन होकर कैंसिल, टू कैंसिल, देन ए वन विल बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।